तो आज हम देखेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2018 सितंबर का पेपर जो शिफ्ट वन में आया था। तो दोस्तों इसमें जो भी मतलब क्वेश्चन आए हैं वो साइंस के क्वेश्चन आए हैं, तो पहले हम देख लेते हैं साइंस के क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान m है और उसके वेग v से बढ़ाकर 2v कर दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर m किसी वस्तु का द्रव्यमान है और उसके वेग v से बढ़ाकर अगर 2v कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगी, m v 2 mv² हो जाएगी गतिज ऊर्जा। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, क्लोरीन के उपयोग पर सवाल आया है, क्लोरीन का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है ये इसको सवाल आया है। एक क्वेश्चन आया है, किस हार्मोन के कारण पौधे सूर्य की तरफ झुकते हैं, किस हार्मोन के कारण पौधे जो हैं वो सूर्य की ओर झुकते हैं, तो वो किसके कारण झुकते हैं, ऑक्सीजन के कारण, ये ऑप्शन में था। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, RH फैक्टर की खोज किसने की, RH फैक्टर की जो खोज है वो किसने की, तो वो किसने की है, लैडस्टीनर ने की है RH फैक्टर की खोज, ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, श्वेत फाइबर कहाँ पर पाया जाता है, श्वेत जो फाइबर है वो कहाँ पाया जाता है, तो वो पाया जाता है मांसपेशियों में, श्वेत फाइबर मांसपेशियों में पाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो पौधे मरुस्थल में उगते हैं उनका नाम क्या है, जो पौधे मरुस्थल में उगते हैं उनका नाम क्या है, जो पौधे मरुस्थल में उगते हैं, मरुस्थल, तो उनका नाम होता है जीरोफाइट। हिंदी में लिखते हैं जीरोफाइट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है साइंस से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे भारी धातु तो वो कौन सी होती है, ऑस्मियम। ठीक है, ये भारी धातु, ये पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अक्रिय गैस पर एक सवाल पूछा गया है, अक्रिय गैस, तो हो सकता है आगे वाले क्वेश्चन शिफ्ट में, आगे वाले एग्जाम में सक्रिय गैस के बारे में पूछा जाए। एक क्वेश्चन पूछा गया है, वन हॉर्स पावर पूछा गया है, तो वन हॉर्स पावर कितना होता है, होता है 746 वाट, ये पूछा गया है। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया, हेलोजन तत्व किस समूह को कहते हैं, तो वो कहते हैं 17th समूह को। ठीक है, हेलोजन तत्व होते हैं, ये पीरियोडिक टेबल में से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल की इकाई फोर्स की यूनिट पूछी गई, यूनिट ऑफ फोर्स, तो यूनिट ऑफ फोर्स कौन सी, क्या होती है यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स होती है न्यूटन, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एक पूछा गया है, जीके से पूछा गया है, हुसैन लेक कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है हुसैन लेक, ये है हैदराबाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मीना माता बीमारी पूछा गया किसके कारण से होती है, तो ये आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। एक पूछा गया है, बैटल ऑफ वाटरलू पे भी एक सवाल पूछा गया है, द ब्लैक हिल पुस्तक के लेखक पूछे गए हैं, तो कौन है, ममंग दाल,
ब्लैक हिल, ममंगदाई, ये ब्लैक हिल पुस्तक के लेखक है। रिपब्लिक दिवस पर जो बेस्ट झांकी का पुरस्कार किसे दिया, कौन सी झांकी को दिया गया था, वो पूछा गया है रिपब्लिक दिवस डे पर। खेलो इंडिया गेम के टॉप स्टेट्स पूछा गया है, खेलो इंडिया गेम्स के टॉप स्टेट पे कौन है, खेलो इंडिया गेम, खेलो इंडिया गेम जो टॉप स्टेट रहा है वो रहा है हरियाणा। कौन सा रहा है? हरियाणा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यू9 वर्ल्ड कप क्रिकेट सबसे ज़्यादा कौन सी टीम ने जीता, यू19 वर्ल्ड कप क्रिकेट सबसे ज़्यादा कौन सी टीम ने जीता, यू19 वर्ल्ड कप, तो वो जीता है, किसने जीता है? इंडिया ने जीता है। और कितनी बार जीता है? 4 टाइम्स। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये पूछा गया है क्वेश्चन शिफ्ट वन में। नेक्स्ट पूछा गया है वर्ल्ड हॉकी चैंपियनशिप पर एक सवाल पूछा गया है, फीफा से रिलेटेड तो आ सकते हैं, आगे वर्ल्ड हॉकी का पूछा है तो फीफा से भी आएगा क्वेश्चन। एक पूछा है नैनीताल झील, नैनीताल लेक, मतलब लेक से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, नैनीताल लेक या झील, तो ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में। ठीक है, तो अभी भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनधन योजना पर आधारित क्वेश्चन पूछा गया है, प्रधानमंत्री जनधन योजना पर पूछा गया है। ये पूछा गया लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप, तो कौन सी है? वो है वोल्गा रिवर, ये सबसे लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप है वोल्गा रिवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल्म फेयर अवार्ड पूछा गया है बेस्ट एक्टर का, फिल्म फेयर अवार्ड ये पूछा गया है शिफ्ट वन में। आपको अवार्ड्स भी सारे याद रखने हैं, कल भी पूछे गए हैं, दोनों शिफ्ट तीनों शिफ्ट में एक्टर अवार्ड्स के बारे में पूछा गया है। ये बेस्ट एक्टर का पूछा गया है, बेस्ट एक्टर तो वो कौन है? इरफान खान। ठीक है, तो फिल्म फेयर अवार्ड 2018 किसको दिया गया है? बेस्ट एक्टर के लिए इरफान खान को। अब एक पूछा गया है झारखंड के सीएम, आपको सीएम और जो भी सीएम और राज्यपाल की जो भी है लिस्ट अपडेट वाली, वो मैं आपको कल उपलब्ध करा दूंगा मेरी ये वीडियो के माध्यम से। झारखंड के सीएम पूछा गया रघुबर दास है, जो कि रघुबर दास। ठीक है, तो क्वेश्चन याद रखिएगा, रघुबीर दास इंग्लिश में भी लिख देते हैं दास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सबसे छोटा पक्षी, स्मॉलेस्ट बर्ड, स्मॉलेस्ट बर्ड पूछा गया है, तो स्मॉलेस्ट बर्ड सबको पता है कौन सा है? हेमिंग बर्ड। ज़्यादा टफ पेपर नहीं था, इजी पेपर था, स्कोरिंग था। ठीक है, नेक्स्ट था गुलाम वंश की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। गुलाम वंश की जो शुरुआत है वो दी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की शुरुआत की थी कुतुबुद्दीन ऐबक, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत के रक्षा मंत्री कौन है, तो भारत के रक्षा मंत्री कौन है, डिफेंस मिनिस्टर कौन है हमारे? निर्मला सीतारमण, ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, रक्षा मंत्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सऊदी अरब की हाई स्पीड ट्रेन पूछा गया है, सऊदी अरब की हाई स्पीड ट्रेन का नाम पूछा गया है, हाई स्पीड ट्रेन ऑफ सऊदी अरब, हाई स्पीड ट्रेन ऑफ सऊदी अरब, तो वो कौन सी है? हैरामिन, ये जो है वहाँ की हाई स्पीड ट्रेन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक पूछा गया है सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है फ्रांस के राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, तो वो कौन है? वो है
इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है ये याद रखिएगा। नोबेल पुरस्कार पर एक सवाल पूछा गया है, नोबेल अवार्ड पर एक पूछा गया है महिला दिवस कब मनाया जाता है, ये भी गया है महिला दिवस वुमेंस डे, तो ये तो आपको याद होना चाहिए वुमेंस डे का, ये होता है 8 मार्च को, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। एक पूछा गया मिस फेमिना कौन है इस बार की, मिस फेमिना तो वो कौन है, अनुकृति व्यास, ठीक है याद रखिएगा आप अनुकृति व्यास। क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं और अगर रिपीट नहीं होंगे तो इससे रिलेटेड ही कोई दूसरा क्वेश्चन बनेगा। भारत के स्वास्थ्य मंत्री हेल्थ मिनिस्टर, तो कौन है हमारे जेपी नड्डा, ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, आप छोटी का हड्डी भी पूछ सकते हैं, सबसे बड़ी हड्डी जो है वो है फीमर, ये सबसे बड़ी हड्डी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछा है, द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया कैपिटल मतलब कैपिटल ही पूछ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया कैपिटल है कैनबेरा, ठीक है तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है के आर मीरा की बुक्स पर एक सवाल था, अब वो कौन क्या सवाल था ये पता नहीं है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन था यजुर्वेद्र चहल किस खेल से संबंधित है, यजुर्वेद्र चहल तो ये जो है क्रिकेट से संबंधित है, यजुर्वेद चहल मैं लिख देता हूँ, यजुर्वेद्र चहल ये जो है वो है क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु द्रव्यमान की खोज किसने की थी, ये लिखा हुआ है तो आप मुझे कमेंट कर बताइए परमाणु द्रव्यमान की खोज किसने की थी। रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन, तो विटामिन जो है ये मैंने आपको क्लियर करा चुका हूँ, विटामिन के क्वेश्चन भी आप एक बार वीडियो देखिए साइंस की, उसके अंदर में बताया है कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है, तो जो रक्त क्लॉटिंग ऑफ ब्लड तो ये होगा विटामिन के, क्लॉटिंग के से आ सकते हैं आप क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 25 जनवरी, ये दिवस ही मैंने सारे नेशनल डे कवर करवा चुका हूँ मेरी वीडियो में, देखिए आप उन्हें भी जाके, उसने बताया 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। एक बैरल में कितने लीटर होता है, ये भी मैंने बताया था, एक बैरल में जो होता है वो होता है मेरे इंस्टाग्राम पेज पर बताया मैंने, एक बैरल में होता है 159 लीटर, ठीक है। मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी डेली क्वेश्चन की सीरीज चल रही था, उन्हें भी देखिए। क्वेश्चन दिया था आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन है, ऑप्शन दिया था बीपी कनुंगो, एनएस विश्वनाथन, वीराल आचार्य या एमके जैन, ये चार ऑप्शन थे। तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर से भी क्वेश्चन था, मतलब आरबीआई से भी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये सारे साइंस के क्वेश्चन थे, इस टाइप से क्वेश्चन हमारे पूछे जा रहे हैं, तो मैं बताता रहूँगा आपको कि ग्रुप डी में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको पता लग जाए कि वीडियो आ रही है, तो नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी दबा दीजिए, ठीक है थैंक यू।